बात कोरोना और उसके खतरे की करते हैं। किस तौर पर कोरोना की वजह से जो खतरे हैं और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे देश के अंदर, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं। और अब ये खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर कुछ इस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, लेकिन आप देखिए जरा तस्वीरों के माध्यम से जहां पर लोग खड़े हुए हैं और उनको कुछ इस अंदाज में सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो या अन्य जिले, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ना सरकार के लिए चिंता का विषय है। लगातार लोग मास्क प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर प्रयोग कर रहे हैं, तमाम वो चीज़ें जो गाइडलाइंस में कही गई हैं और जो कोरोना वायरस से बचाव कर सके, उन तमाम चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे साथ सुप्रीम कुमार जी। सुप्रीम कुमार जी नमस्कार, आप लखनऊ का स्वागत है और R9 TV में आपका स्वागत है। सुप्रीम जी, आप लखनऊ आए हैं, क्या प्रयोजन है आने का, क्या आप नई चीज़ लेके आए हैं जिससे चाहते हैं कि उसको प्रयोग में लाया जाए उत्तर प्रदेश में भी? देखिए, हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो एनायन डिटॉक्स है। इट इज़ 100% नेचुरल और ये सिर्फ सॉल्ट से बनते हैं, तो इसमें क्या है, कोई भी केमिकल है नहीं, तो ये हार्मफुल नहीं है। देखिए, आज मैंने देख रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आ गया कि अभी स्कूल खुलेगा। सबसे ज़्यादा मेरा भी बच्चा है, मेरा भी ये टेंशन रहता है, हर फैमिली में ये टेंशन रहता है, जो बच्चे जाएंगे उसका स्किन बहुत सेंसिटिव होता है। हम लोग जो 70% ऊपर का अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली हार्मफुल है फॉर स्किन। और क्या है, बच्चे हैं, वो आप बैग में सैनिटाइजर दे दिया, वो पी भी सकते हैं, वो आँख में भी लग सकते हैं, तो इज़ अ वेरी रिस्की। तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट है ये नेचुरल है, ये सिर्फ लबन से बना हुआ है, सॉल्ट से है, आँख में लग जाए या तो बालों में लग जाए या कहाँ पर भी बॉडी पार्ट्स में लगते हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहले ये बताइए, इस मशीन को क्या कहते हैं? ये मशीन को फॉग मशीन बोलते हैं। इससे देखिए फॉग के टाइप पे हो रहा है, तो इसमें कोई क्या है, पानी नहीं है, आप देखो कहाँ पर पानी का कोई चांसेस ही नहीं है। और ये क्या है, इससे करने से क्या है, ये जो मेरा जो दवाई है प्रिवेंटिव है, ये एयर में चला जाता है। हम जब इनहेल करते हैं, मेनली कोरोना वायरस क्या होता है ना, इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं जाके लंग्स में, तो जब ये इनहेल कर लेते हैं तो वो मेरे लंग्स में भी चला जा रहा है। तो कि यहाँ पे खाना रखा है रूम में, अगर इसमें अगर चला गया तो हाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लबन है, आप इसको खाने में भी स्प्रे कर सकते हो। इसमें फर्क क्या है, जैसे ये होटल का खाना है, बहुत सारा क्या होता है, पुराना तेल यूज़ किया है, दूसरा चीज़ यूज़ किया है, तो वो भी इसमें ये होता है। इसमें चार चीज़ आपको हो, इसको बंद कर देते हैं, इसमें चार चीज़ काम करते हैं, ये वायरस के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, फंगस के ऊपर और पेस्टिसाइड, चारों चीज़ में काम करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगर आशा भी है कि इसे यूपी सरकार समझेगी और यूपी सरकार इसको लागू करने के लिए इजाज़त देगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस सैनिटाइजर से लोग डरते थे कि कहीं उनके आँखों में, बालों में या फिर चेहरे के अंदर ना चला जाए, या फिर जब हम सैनिटाइजेशन एक ज़्यादा मात्रा में करते हैं तब भी ये देखा जाता है कि वो बच्चों पर चला जाता है, तो उससे हानिकारक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अब अगर ये प्रिवेंटिव प्रयोग में लाया जाता है तो ये सिर्फ खाने पर भी जाता है तब भी कोई समस्या नहीं, और कमरे में 2 से 15 दिन तक इसका प्रभाव बना रहता है। फिलहाल ये थे डॉक्टर सुप्रियो कुमार, जो आज फिलहाल हेल्थ मिनिस्टर से मिलने आए हैं। उसके बाद अगर सरकार को समझ में आता है तो शायद उत्तर प्रदेश में इसको इजाज़त मिल जाए और जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ जा सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ गगन मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश।